नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाफ बाजू में लुप्पी बटन कैसे लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो रेडीमेड कुर्तियाँ आती हैं उनकी जो स्लीव्स होती है उसके सेंटर पॉइंट में यहाँ पे इस तरीके का एक डिजाइन बना होता है इस प्रकार से, और ये लुप्पी बटन होती है। तो हम किस तरीके से इसको कटिंग करें, कैसे इसको तैयार करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है ये हमारे पास हाफ स्लीव्स, ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने कट की है। जितना आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये वाला, ये आपने ध्यान रखना है, जो फोल्ड के लिए हम लेते हैं इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद जो हमने यहाँ पे लेंथ तैयार रखी है ये हमारी यहाँ पे आएगी 11.5 इंच की, जो कि हम 11 इंच इसको तैयार कर लेंगे। बाद में ऊपर आधा इंच का मार्जिन आ जाएगा और 11 इंच यहाँ पे रेडी होकर के तैयार आएगी। तो इसको इस तरीके की जो लुप्पी तैयार की जाती है, जो रेडीमेड आपने कुर्तियों में देखी है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग लेनी है इस तरीके की। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई अभी फिलहाल हमारी 3.5 इंच की है, 3.5। इसको हम यहाँ पे डबल कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे डबल कर लेते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से हमने डबल कर ली है। इसके बाद हमें इसकी लेंथ देखनी है कितने इंच की रखनी है, तो हमें यहीं से अंदाज़ा लगाना होता है कि कितने इंच की हमारी यहाँ पे फोल्ड होने के बाद तैयार आने वाली है। तो हमें तैयार रखनी है ये 3.5 से 4 इंच की, तो हम इसको तकरीबन तकरीबन 5 से 5.5 इंच की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच के हिसाब से एक निशान लगा लेंगे। इसको आप कम ज़्यादा फिर कर सकते हो, 5.5 का हमने निशान लगा लिया है। इस पॉइंट से हमें यहाँ पर ये साइज रखना है 0.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, और ऊपर वाले पॉइंट से हम यहाँ पे ये साइज रखेंगे तकरीबन तकरीबन 1.5 इंच से 1.75 इंच तक। तो हम 0.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब आपने यहाँ पे इस निशान को इस निशान से जोड़ना है इस तरीके की, ऐसी शेप देते हुए, और यहाँ पे आएगी हमारी कुछ इस प्रकार की शेप। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे कटिंग करें। साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ये पेपर पेस्टिंग में आपने कटिंग करनी है, बुकरम में कटिंग नहीं करनी है। इस तरीके से मैंने दो भाग यहाँ पे कर लिए हैं, दो पीस मैंने दोनों बाजुओं के लिए कटिंग कर लिए हैं। अब इनको हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पेस्ट कर ली है दोनों लुपियाँ ऐसे। अब इन्हीं के साथ का हमने एक कपड़ा और लेना है तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे की साइड कपड़ा रखेंगे और ऊपर यहाँ पे ये वाला पीस रखेंगे, और जो पेपर पेस्टिंग है पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। तो ये देखिए दोनों पीस हमने इस तरीके से यहाँ पे कर लिए हैं रेडी। और आपने ध्यान देना है यहाँ पे कट जरूर लगा लें सभी जगह पे इस तरीके के। इसके बाद हमें इसको पलटना है, तो पलटने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे निकलेगी। अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ से पलटने के, तो यहाँ से पलटने में आपको दिक्कत आएगी, और इधर से आप आसानी से इसको पलट सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे कर लिए हैं ये रेडी पलट के, और हल्की हल्की हमने प्रेस भी कर ली है। अब हम यहाँ पे हल्का सा गैप रखते हुए इस तरीके से लगाएंगे सिलाई। तो ये देखिए हमारी जो लुप्पी है वो हो गई है रेडी। सेम ऐसे ही हम दूसरा पीस तैयार करेंगे।
दोनों लुपियों पे हमने लगा ली है सिलाई और इनको रेडी कर लिया है। अब हमारे पास जो स्लीव्स है आपने यहाँ पे इनको करना है इस तरीके से ओपन। और यहाँ पे जो हमने ये फोल्ड लगाया हुआ है, ये देखिए ये फोल्ड लगाया हुआ है हमने, प्रेस से लगाया हुआ है यहाँ पे ऐसे। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ये हमारा है सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हम सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। जहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पे हमें ये लुप्पी ऐसे दबा लेनी है, इस तरीके से ऐसे हम दबाएंगे सेंटर पॉइंट में। लुप्पी हमने दबा दी है तो ये रोंग साइड होनी चाहिए और ये हमारी सीधी साइड होनी चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलट के अच्छे से इसको एक बार हल्की सी ऐसे सेट करेंगे। और इसके बाद अब हम सीधी साइड में यहाँ पे इसको पलटेंगे। तो सीधी साइड में जब भी हम इसको पलटते हैं आपने ध्यान रखना है ये हल्की सी हमारी लूज रहनी चाहिए, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लगा देंगे सेंटर में एक टांका, जहाँ पे आपकी लुपी बिल्कुल सेंटर में बैठती है हल्का सा एक टांका लगेगा, क्योंकि इसके बाद लगाना है हमें यहाँ पे बटन। कई लोग काज बटन भी करते हैं, लेकिन अगर टांका लगा के ऊपर बटन भी लगा दे तब भी ये उतनी ही खूबसूरत लगती है जैसे कि हमने यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाई है। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमने इस तरीके से रेडी कर ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लुप्पी के ऊपर लगा लिया है यहाँ पे बटन, और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमारी डिजाइनिंग बन करके तैयार है। और दोनों स्लीव्स का हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है और बहुत ही प्यारा ही लग रहा है। इस तरीके से आप भी जो रेडीमेड कुर्ती स्टाइल आती हैं स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने ये आज आपको आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।